जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से अगले महीने यानी कि 17 सितंबर से यहां पर श्री राम कथा होने जा रही है चंडीगढ़ रोड जो कैंट ग्राउंड है जिसे दशहरा ग्राउंड भी कहते हैं वहां पे 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक 23 सितंबर तक शाम को 7 से 10 श्री राम कथा होने जा रही है और इस कथा का वाचन करने के लिए भारत में जो अलग अलग प्रांत के अंदर अपनी कथा और विदेशों के अंदर भी कथा कर चुके हैं हमारे गुरु बहन साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी बता रहे हैं जो कि सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य हैं और उसी श्री राम कथा के प्रचार हेतु पूरे शहर के अंदर ये संध्या फेरी का जो कार्यक्रम रखा गया है आज शीतला माता मंदिर से कार्यक्रम होते हुए ये बंगा रोड और पूरे शहर के अंदर कार्यक्रम है ऐसे ही हर रोज विभिन्न मंदिरों से ये एक संदेश है पूरे शहर के लिए कि आप सभी श्री राम को जानें श्री राम की कथा सुनें और अपने जीवन को धन्य करें ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से एक संध्या फेरी का कार्यक्रम है और ये कथा अगले महीने 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक चलेगी चंडीगढ़ रोड के ऊपर जो अपना कैंट ग्राउंड है और इसी कथा से पहले यानी कि इसी 12 अगस्त को नशे के खिलाफ एक रैली कर रहे हैं मैराथन दौड़ है जिसमें लगभग 400-500 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे शहर के अंदर नशे के खिलाफ जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत तो शहर के अंदर एक जागरूकता अभियान है क्योंकि संस्थान धार्मिक कार्यक्रम करने के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी कर रहा है तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है उसके संबंध में यहाँ पे हम मैराथन भी कर रहे हैं और जिसमें हम सभी शहरवासियों का आशीर्वाद चाहते हैं और शहरवासियों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आए धन्यवाद मैराथन दौड़ कदों से कदों होगी जी कितनी तारीख को होगी जो मैराथन दौड़ है वो 12 अगस्त को शाम को 4 बजे होगी वो चंडीगढ़ रोड पे हमारा जो आश्रम है जालंधर कॉलोनी में वहां से शुरू होते हुए चंडीगढ़ चौक वहां से कोठी रोड रेलवे रोड और वापस फिर वो चंडीगढ़ रोड पहुंचेगी 12 अगस्त को शाम को 4 बजे मैराथन दौड़ होगी जिसमें 400 से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे जे किसी ने पार्टिसिपेट करना हो इसके वास्ते की कर सकते यानी कि किवें पार्टिसिपेट कर सकता इसके विच कोई भी जे किसी ने करना हो इस मैराथन दौड़ के अंदर कोई भी अपना हिस्सा ले सकता है भाग ले सकता है और उसके लिए हमारे संस्थान की तरफ से कुछ फोन नंबर जारी किए गए हैं जैसे कि 9779933885 और 9915761843 ये सभी नंबर हैं आप इस पे संपर्क करके आप इस मैराथन दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं धन्यवाद आज की जो शोभा यात्रा है हम 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक कैंट ग्राउंड चंडीगढ़ रोड पे एक भव्य राम कथा करने जा रहे हैं आयोजन करने जा रहे हैं उसी का शहर में माहौल बनाने के लिए हमने टोटल 8 संध्या फेरियां शहर के विभिन्न मंदिरों से निकाली आज ये 7वीं संध्या फेरी है और कल श्री हनुमान मंदिर जो कि प्रिंस इनक्लेव में है वहां से ये संध्या फेरियां का समापन होगा और हमारी सभी शहरवासियों से पुरजोर अपील है कि इस संध्या फेरियों में भी शामिल हों और राम कथा का जो भव्य आयोजन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्रभु राम को घर घर तक ले जाने में उसको उसका प्रचार करने में हमारे साथ आए और जय श्री राम सभी को जय श्री राम
जय श्री राम। सारियां नूं जिद्दां कि जान के बड़ी खुशी होएगी कि 17 सितंबर तो 23 सितंबर तक भगवान श्री राम कथा बड़े लार्ज स्केल से नवा शहर के अंदर होने जा रही है। तो मैं सारियां नूं बहुत बधाई दिनी हां कि साडा शहर बड़ा किस्मत वाला, साडे शहर नूं सुभाग मिलता रहिंदा। ते दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बहुत वड्डे स्तर ते कथा करान जा रहा है। रामलीला ग्राउंड जिहड़ी अपनी दशहरा ग्राउंड गवर्नमेंट स्कूल के बैक ते उत्थे कथा होने जा रही है। तो सारा शहर च वधारे उस संबंधित संध्या फेरियां निकालियां जा रही हैं। सारे नूं बहुत बधाई, बहुत बहुत रोज रोज रंग चढ़ता सानू। अज सत्तवां दिन है ते कल लास्ट है, ते इदां ही असीं गलियां मोहल्लियां च जा रहे हैं। होर गिद्धा पा रहे सारे जने, बहुत रंग चढ़िया। प्रशाद तो लेना पड़ा। संस्थान की ओर से 17 सितंबर से 23 सितंबर तक श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है और जिस कथा के वाचन हेतु साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी पधार रही है और जिस कथा का समय रहेगा 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक और स्थान रहेगा कैंट ग्राउंड चंडीगढ़ रोड नजदीक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आप सभी प्रभु भक्त इस पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। होनी में नचना, नी में नचना, नी में नचना मोहन देना, अज मैनू नचना नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे।